Yubi. ये देखिए फ्रेंड्स, हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं। मेरे हस्बैंड पिज़्ज़ा लेकर आए हैं, आप भी खा लीजिए पिज़्ज़ा। मेरी बेटी खा रही है और बेटा भी खा रहा है और मैं भी खा रही हूँ और आप भी खा लीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल और हैप्पी दशहरा। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कढ़ी की रेसिपी, जो मैं कढ़ी बना रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ज़्यादा सिंपल बना रही हूँ मैं कढ़ी, और वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए बनाते हैं कढ़ी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी कढ़ी और मैंने इसमें, ये मेरी लस्सी है और इसमें मैंने 4 चम्मच बेसन मिला लिया है और मैंने एक साइड में रख दिया। पहले बनाऊंगी मैं मूली की भुजिया। अपनी मूली की भुजिया को मैं तड़का लगा के थोड़ी देर उसे फ्राई करूंगी और फिर उसे करके जब मैं कढ़ी बनाऊंगी अपनी, उससे पहले मुझे अपनी मूली की भुजिया बनानी है। और इस लस्सी में मैंने बेसन मिला के इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक साइड में रख दूंगी, जब तक कि बेसन जो है अच्छे से फूल जाएगा इसमें। और मैं अच्छे से घुमा दूंगी इसे। और इससे पहले फिर मैं अपनी कढ़ी, अभी मैंने अपनी गैस पर रख दी है। उसमें डालूंगी मैं मस्टर्ड ऑयल और फिर मैं अपनी भुजी को तैयार करूंगी। आजकल मूलियाँ बहुत चल रही हैं तो मूलियों की भुजिया बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया, इसमें सारे मसाले ऐड कर लिए थे मैंने पहले ही, और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसके ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए इसको ढक कर रख दूँगी मैं। और उसके बाद ये फ्राई हो चुकी है मेरी। और ये देखिए, कच्ची मूली की भुजिया बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और इसमें एक बाद में मैं एक हरी रेड लाल मिर्च जो होती है उसे तोड़कर इसमें ऐड कर दूंगी। और ये देखिए मेरी भुजी तैयार हो चुकी है और ये काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। और इसके बाद मैं कढ़ी बनाना शुरू कर दूंगी उसी कढ़िया में। थोड़ा सा खंगाल के इसको मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। इसमें ऑयल ऐड कर दिया मैंने और जो भी मसाले ऐड करने होते हैं मैं वो ऐड करूँगी इसमें, जैसे कि सबसे पहले जीरा और फिर प्याज और कढ़ी हमारे घर में पकौड़ियों के साथ ही ये खाते हैं, बगैर पकौड़ियों के कभी नहीं खाते। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि छोटी वाली बूंदी टाइप में जो पकौड़ियाँ होती हैं मैं वो बनाऊं, लेकिन मेरा जो बेसन होता है वो ज़्यादा पतला हो गया था तो मैंने ही वो पकौड़ियाँ खट्टी हो गई। मैंने इनको तोड़ के जब ऐड करा था कढ़ी में अपनी में, पर ये बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में। और इसमें मैं अब जीरा, ये देखिए मैं जीरा ऐड कर दूंगी मैं।
उसके बाद मेथी, सूखी वाली मेथी जो होती है, और उसके बाद लाल वाली मिर्च और नींबू और प्याज कटी हुई, इन सब का मैं तड़का लगा दूँगी। एक एक करके मैं सारी चीज़ें डाल दूँगी कढ़ी में। कढ़ी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको सब पसंद करते हैं, सो मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सब, और मेरे घर में सभी बनाते हैं। और यहाँ पर देख रही हूँ मैं प्याज ऐड कर रही हूँ, प्याज और जो रेड चिली है ये भी ऐड कर दूँगी इसमें, क्योंकि बगैर लाल मिर्च के कड़ी अधूरी अधूरी लगती है। मिर्च अगर ऐड कर दो तो बहुत मतलब टेस्ट बढ़ जाता है कड़ी का। और ये मेरा फोकस नहीं हो पा रहा था, और मेरी प्याज जो है भुन चुकी है हल्का हल्का ही, ब्राउन होने तक ही मैं भूनती हूँ। और उसके बाद मैं इसको ऐड कर दूँगी इसमें, और ये देखिए फ्रेंड्स मेरी कढ़ी छोंक दी है मैंने, और इसको मैं थोड़ी देर चलाऊंगी क्योंकि इसका फटने का डर रहता है, और इसको थोड़ी देर चलाती रहूंगी मैं जब तक इसमें खोल नहीं आ जाए। खोल आ जाएगा फिर मैं इसे छोड़ दूंगी, फिर अपने आप बनती रहेगी थोड़ी देर। देखिए इसमें खोल आ चुका है, और अच्छे से इसे मैं उबाल लूँगी। आधे घंटे तक
और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी कढ़ी बन चुकी है फाइनली। और ये कम से कम मैंने आधे घंटे से ज़्यादा उबाली है अच्छे से, और ये बहुत अच्छे से बन चुकी है। और ये देखिए मेरी कढ़ी चावल और मूली की भुजी कैसी लग रही है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय।